हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, लास्ट व्लॉग मैंने अपना जब एंड किया था, वो दावत व्लॉग, उसको आप सब ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, हनी के घर को बहुत ज़्यादा पसंद किया और मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई, बल्कि मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर पर्सनल मैसेज आया जिसमें मुझे कहा गया कि अपनी बहन का जो है होम टूर दें। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी मैं वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगी। तो ये वाला रूम जो है हनी ने मुझे दिया हुआ था, हनी का जो अपर पोर्शन है वहाँ पे मैं इस रूम में ठहरी थी, बेड पे मैं थी और ये सोफ़ा कम बेड पे दुआ जहरा थी। तो और मोहसिन और नतालिया जो है वो फ्रंट वाले रूम में थे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हनी के घर का जो है ना मैं होम टूर भी दूँगी और आप सब ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का जो व्लॉग है ना, आप यकीन करें बहुत से क्लिप्स मैंने बनाए थे लेकिन मेरे मोबाइल की इस टाइम मेमोरी इतनी ज़्यादा फुल हो गई है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। एडिट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इस रूम में जो है मोहसिन और नतालिया जो है रुके थे, ये बिल्कुल फर्स्ट रूम है अपर पोर्शन का और मैं लास्ट वाले रूम में ठहरी थी। हनी मुझे कह रही थी ये वाला ले लो, लेकिन मेरी जिद थी कि नहीं मुझे वही वाला लेना है। तो अभी बस मैं नीचे जा रही हूँ और आज मैंने ज़्यादा व्लॉग्स नहीं बनाए, मतलब कि मैंने कोई भी वीडियोस वगैरह नहीं बनाई, बस छोटे छोटे एक दो क्लिप हैं वो भी मैंने मोहसिन से और नतालिया से ही लिए हैं। मैंने अपने व्लॉग में यानी कि अपने मोबाइल में मैंने कोई भी क्लिप नहीं बनाया। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगी जिसमें मैं तो नहीं थी यहाँ पे, लेकिन मुझे नतालिया और मोहसिन ने दिया कि पाजी आपने ये वाले जो है ना अपने व्लॉग में ज़रूर लगाना है एक मेमोरी के तौर पर। तो उसमें मोहसिन और नतालिया लेकर आए थे मोहम्मद के लिए एक बहुत ही प्यारा गिफ्ट। वो गिफ्ट क्या है मैं आपको आगे जाकर दिखाऊंगी। मोहम्मद की बर्थडे आई थी 9 जनवरी को मोहम्मद की बर्थडे आती है। और अच्छा, हमेशा मुझे ना 10 जनवरी ही याद रह जाता है। वो मुझे 10 जनवरी इसलिए याद रह जाता है कि जब मोहम्मद पैदा हुआ था ना 9 जनवरी को, तो 10th को ना उस दिन पूरे पाकिस्तान में लाइट चली गई थी, तो इसलिए मुझे ना 10 जनवरी याद रहता है। तो 9 जनवरी को जो है ना माशाल्लाह मोहम्मद हमारा इस दुनिया में आया था, तो इसलिए मुझे जो है ना वो डेट 10th याद रहती है। तो मोहम्मद की बर्थडे थी 9th को, तो मोहसिन ने मोहम्मद को जो गिफ्ट देना था, हनी ने मोहसिन को कहा था कि अभी तुम रुक जाओ, जब नतालिया पाकिस्तान आएगी तो नतालिया के साथ ही आना मोहम्मद को देने के लिए। तो वैसे तो अब तुम मैरिड हो और जब वो नतालिया साथ आएगी तुम्हारे, तो ज़रा उसको भी अच्छा लगेगा और इसी बहाने जो है ना तुम दोनों मेरे घर भी आना। तो नतालिया के साथ जब मोहसिन आया था तब मैं बिल्कुल साथ नहीं आई थी, क्योंकि मैं ज़ैम के साथ अपना काम गई हुई थी, ज़ैम को कुछ डॉक्यूमेंट्स का काम था वो करवाने के लिए, और इसलिए मैं इस दिन यहाँ पर इनके साथ नहीं आ सकी। अभी मैं आपके साथ वो क्लिप शेयर करूंगी, आप लोग वो क्लिप देखना। और ये वो क्लिप है जो नतालिया ने मेरा बनाया था स्नैपचैट से, यहाँ पे ये इसको क्या बोलते हैं आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ये बेबी ऑरेंज, छोटे छोटे ऑरेंज टाइप के होते हैं, बहुत खट्टे होते हैं ये, तो आपने मुझे बताना है इसको क्या कहते हैं, कभी आपने टेस्ट की है। तो नतालिया मुझे ये कह रही थी कि बाजी ये बहुत खट्टा होगा अगर आप खा रही हैं, तो मैंने कहा नहीं यार, मैं बचपन में ट्यूशन में भी खाया करती थी, वहाँ पर भी ये लगा हुआ था, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। तो अभी जो है ना मैं आपको गिफ्ट दिखाती हूँ जो कि मोहसिन ने दिया है, और नतालिया भी मोहसिन के साथ थी। आप दोनों पास खड़े हो, उनको मेरा भी शायद ब्लॉग लिए चाहिए। चलो एक ऐसे क्लिप ले, मैं चले पास आओ देख मेकअप। हेलो मेरी, ये दस की वीडियो मैं हाय इधर आओ सुन मामा। आगे 12 13 14 15 ओके वेट जस्ट वेट। मोहम्मद इधर आओ, ये मोहम्मद की हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे।
मैं ओपन कर दूं? अंदर लाओ ना, अंदर लेके आओ। And Biba, this is for you. Okay, this is for you. Yes. Thank you, bola. Here, here, देखते हैं। अम्मी अबू के पास जाओ। You like this heavy bike? Helmet. Helmet? Where is helmet? Where is helmet? छोड़ देना। Okay. Mohammed, I got you a helmet. मम्मी के बिना जो चीज़ तुम लोग बैग हनी बाकी पट्टी है ना बाल क्या उसके पीछे लगा हम उसे हनी क्या ओके वेट नॉट मोर हैव अ हेलमेट हेलमेट पहन के बैठ जाए हाँ ये चार्जर है ओके मोटी है नहीं इस पे इसके साथ मोटी होता बाइक के साथ ओके ओके मोहम्मद मोहम्मद कौन से कलर की है ये सभी अभी ना इसकी वो तार ओढ़ने के लिए ये पूरी मैंने असेंबल करवाई है फिर वो तार अंदर को कर देना ये आगे से माशाल्लाह मोहम्मद जब छोटा था इसको फर्स्ट टाइम मोहसिन ने जो है ना बाइक पे बिठाया था और उसके बाद बस उसने दिन रात एक ही बात स्टार्ट कर दी मुझे बाइक लेनी है मुझे बाइक लेनी है तो मोहसिन ने मोहम्मद को यही कहा था कि आपकी जब बर्थडे आएगी ना तो इंशाल्लाह मैं आपको तब बाइक लेकर दूंगा तो अभी माशाल्लाह मोहम्मद जो है साइकिलिंग भी कर लेता है और इसलिए मोहसिन ने इसको जो है ना बाइक का प्रॉमिस किया हुआ था और मोहसिन का यही था कि इसको मैं बाइक लेकर दूंगा तो अभी इसकी बर्थडे आई तो मोहसिन उसको बाइक लेकर दी और मलिहा की तो बर्थडे नहीं थी लेकिन इंशाल्लाह मलिहा की बर्थडे भी आने वाली है तो मोहसिन ने मलिहा को ये मेकअप किट जो है गिफ्ट की क्योंकि मलिहा को मेकअप करना बहुत पसंद है और उसको ये आदत मेरे से मिली है क्योंकि मुझे भी मेकअप करना बहुत ज़्यादा पसंद था तो अभी भी जब मेरे घर भी आती है ना तो तब मेरा सारा जो है ना मेकअप खोल कर बैठ जाती है जबकि अपने मम्मी के मेकअप को बिल्कुल भी टच नहीं करती तो यहाँ पर मोहसिन जो है ना मलिहा को मेकअप कर रहा है और मोहसिन को भी आई थिंक मेकअप के सारे स्टेप मालूम है कि चीक्स के साथ साथ नोज़ को भी जो है ना हल्का हल्का रेड करेंगे तो आपका फेस बहुत अच्छा लगेगा जैसे हम गर्ल्स टिंट लगा लेती हैं लिप्स पे चीक्स पे हल्का सा नोज़ पे तो बड़ी अच्छी एक लुक आ जाती है तो मोहसिन काफ़ी अच्छा मेकअप कर रहा है यहाँ मलिहा का मैं नोट कर रही हूँ तो बच्चे जो है ना प्यार के भूखे होते हैं बच्चों को आप प्यार करो तो उतना ही बच्चे आपके साथ अटैच होते जाते हैं ज़रा सा अगर आप बच्चों को डांट दोगे ना फिर बच्चे ऐसे बागी हो जाते हैं तो यहाँ पर जी मोहम्मद अपना गिटार भी ले आया था और मोहसिन ने मोहम्मद को ये गिफ्ट किया था ये स्पाइडर मैन ड्रेस मोहसिन को इसको मोहम्मद को स्पाइडर मैन ड्रेस बहुत पसंद है और ड्रेस हो गया स्पाइडर मैन ट्राइज हो गए जितनी भी चीज़ें हैं ना आपको इसके पास है सिर्फ स्पाइडर मैन वाली ही मिलेंगी तो मोहसिन इसके लिए स्पेशल आज गिफ्ट लेकर आया था और साथ में मोहम्मद का जो है ना आज ड्रेस भी मिलना था शेरवानी मिलनी थी जो कि आदम की तरफ से गिफ्ट था मोहम्मद को कि ये मेरी शादी में जो है ना शेरवानी पहनेगा तो बस शादी में खैर से दो तीन दिन ही रह गए थे तो तब की ये वीडियो है यहाँ पे जब मैं मोहसिन नतालिया एक रात रहे थे ये मॉर्निंग की क्लिप है और मलिहा अपना मेकअप ले आई थी मोहसिन के पास कि मामू आप मुझे दोबारा से मेकअप करें तो बस यहाँ पे जी मोहसिन मेकअप कर रहा है और नतालिया जो है ये वीडियो बना रही है और नतालिया यहाँ पे हंस रही थी कि ये किस तरह से मोहसिन जो है ना इसको लिपस्टिक लगा रहा है और लिपस्टिक भी लगा रहा है ये आई शेड वाला जो नहीं होता इसको क्या बोलते हैं एप्लीकेटर के साथ जो है ना लिपस्टिक लगा रहा था यहाँ पे इसको तो आज की वीडियो बस यही है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेकर आऊँगी वो भी आप सबको बहुत 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 अच्छी लगेगी बाकी आप सब जो गिला करते हैं ना कि मैं वीडियो के ऊपर ब्लर कर देती हूँ या कर देती हूँ तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने भाई की वजह से उसकी भी एक रीज़न है तो इंशाल्लाह मोहसिन के साथ मैं डिस्कस कर रही थी इस मामले को लेकर के मोहसिन बहुत से लोगों के बहुत से सवाल हैं तो अकेला मेरे लिए देना थोड़ा मुश्किल है
अगर आप सब चाहते हैं कि मैं मोहसिन के साथ अपने चैनल पे लाइव करूं या वैसे ही एक क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो जो है बना के अपलोड करूं, तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है और अपने सवाल भी जो है ना कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, ताकि अगर वीडियो बना सकूं तो वो भी मैं यहाँ पर अपलोड करूँ, और अगर लाइव आऊँ तो वो उसके साथ आऊँ, तो जवाब देने में जो है ना आसानी हो जाए। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपने दुआ में रखिएगा याद। रूटीन में अभी आना ना बहुत मुश्किल हो रहा है। रोज़ सोचती हूँ कल से मेरी रूटीन सेट हो जाएगी, कल से रूटीन सेट हो जाएगी, लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा है अभी अपनी जो है ना रूटीन में वापस आना। और अच्छा, यहाँ पे बस अब हम लोग अपने घर जा रहे हैं, और आज धूप बहुत अच्छी निकली है। हमने एक रात यहाँ पे स्पेंड करना था, कर लिया, बहुत मज़ा आया। बस मैं वीडियोस नहीं बना सकी क्योंकि जब सब मिलकर बैठे होते थे तो कुछ एंगल ही ऐसा बनता था कि मैं वीडियो बनाकर शूट ही नहीं कर पा रही थी कि बीच में नतालिया ना आ जाए, तो इसलिए जो है ना मैं नहीं बना सकी। तो आज की वीडियो यहीं पर दी एंड करती हूँ। अच्छी लगी हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।